हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑन स्क्रीन बाय दैनिक भास्कर। आज एंड्रॉइड स्मार्टफोन से लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी की मदद से लेते हैं कुछ ट्रिकी फोटोग्राफी इफेक्ट्स लाइक घोस्टिंग, लाइट राइटिंग एंड लाइट पेंटिंग। मोस्टली सारी इमेजिंग टेक्नोलॉजी सिमिलर प्रिंसिपल पे काम करती हैं, जिसमें एक फोटो सेंसिटिव सेंसर होता है, उसके आगे लेंस ऑप्टिक्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं कि लाइट कितनी और कैसे आकर सेंसर पर हिट करती है। लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी में लाइट के सेंसर पर लगने के ड्यूरेशन को यूजुअल से ज्यादा लंबा कर दिया जाता है। यूजुअली ये टेक्निक लो लाइट या बहुत ही क्रिएटिव रिजल्ट्स अचीव करने के लिए यूज होती है। सिंस इस प्रोसीजर में भी फोन को कम्प्लीटली स्टैटिक विदाउट एनी शेक रखना पड़ता है, तो जैसे हमने पिछले एपिसोड में टाइम लैप्स शूट करने के लिए ट्राइपॉड यूज किया था, इसके लिए भी आप ट्राइपॉड या किसी भी स्टैंड को अरेंज कर लीजिए। इस इफेक्ट को अचीव करने के लिए वैसे तो बहुत सारे एप्स हैं, बट डेमो के लिए प्ले स्टोर पर सर्च करें कैमरा FV5 लाइट। इंस्टॉल होते ही ऐप को ओपन कर लें एंड यू विल फाइंड ऐप की वेलकम स्क्रीन। इंटरफेस थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट है नहीं। सेटिंग्स से शुरू करते हैं। सेटिंग्स में सबसे पहले ऑप्शन है इमेज रेजोल्यूशन, इसको हाईएस्ट अवेलेबल पर सेट कर लें। इससे ज्यादा रेजोल्यूशन अनलॉक करने के लिए आपको ऐप का प्रो वर्जन खरीदना पड़ेगा। अब आ जाइए सेकेंड लिस्ट ऑफ ऑप्शंस में, जो है जनरल कैमरा सेटिंग्स। ध्यान रखें फोकस बिफोर कैप्चरिंग ऑन रहे। थर्ड ऑप्शन पे आ जाइए, जो है फोटो एनकोडिंग सेटिंग्स। मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी के लिए फाइल फॉर्मेट को JPEG यानी JPEG रख लीजिए और क्वालिटी बेस्ट यानी 100% पर कर दीजिए। फोर्थ ऑप्शन यानी व्यू फाइंडर में आके डू नॉट टर्न स्क्रीन ऑफ को भी ऑन कर लीजिए। ये ऑप्शन आपकी बैटरी तो थोड़ी खाएगा, लेकिन जब तक आप ये ऐप यूज कर रहे हैं तब तक फोन बार बार लॉक होके आपको इरिटेट नहीं करेगा। अब आपको बताते हैं कुछ कन्वीनियंट सेटिंग्स जो आपकी लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी के पहले अटेम्प्ट को इजी कर देगा। पहला है फोकस मोड, इसको इन्फिनिटी पर सेट कर लें। अगला है ISO, इसको सबसे कम यानी 50 पर सेट कर लें। इससे आपकी फोटो में ग्रेन या नॉइस कम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी। सेटिंग्स आइकन के नीचे लिखे P पर टैप करें, इसके बाद S पर टैप करें, जो शटर प्रायोरिटी मोड पर ले जाएगा। इसका मतलब है कि आप ऐप को बता सकते हैं कि आपको कितनी देर तक कैमरे का शटर खुला रखना है। पहले एग्जांपल के लिए हमने 30 सेकंड डाल दिए हैं। एक और हैंडी टिप, शूटिंग यूटिलिटीज को टैप करें और उसमें सेल्फ टाइमर को टैप करके 5 सेकंड का टाइमर सिलेक्ट कर लें। सेल्फ टाइमर सेट करने से जब आप कैमरे पर टैप करते हैं तो जो छोटा सा फिजिकल शेक होता है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। 5 सेकंड बाद कैमरा स्टेबल हो जाएगा और पिक्स शार्प आएंगी। कैमरे पर टैप करिए और वेट करिए। जैसे ही कैमरे का इंटरफेस चेंज हो जाएगा, मतलब आपकी फोटो क्लिक हो गई है। लेफ्ट हैंड में सबसे नीचे टैप करके अपनी फोटो प्रीव्यू करें। ये जो लंबी सी लाइट की लाइन आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली एक गाड़ी की हेडलाइट है, जो 30 सेकंड के लिए लगातार सिंगल फ्रेम में एक्सपोज होती रही। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो प्रोसेस वही है, लेकिन क्योंकि पिछले सीन के कंपैरिजन में यहाँ लाइट ऑलरेडी थोड़ी ज्यादा है, तो एक्सपोजर को 10 सेकंड पर सेट करके क्लिक फोटो पर टैप कर देते हैं। तो जैसे ही कैमरा फोटो खींच चुका होगा, उसे प्रीव्यू कर लें। और लकीली फॉर अस, सेम टाइम पर ऊपर से एक फ्लाइट भी गई, इसलिए आपको दो स्ट्रीक्स दिख रही है, एक रोड पर और एक आसमान में। दो चीजों का ध्यान रखें, काफी हद तक फाइनल रिजल्ट्स आपके फोन के हार्डवेयर पर डिपेंड करते हैं। दूसरा, हमने आपको सिर्फ बेयर मिनिमल सेटिंग्स बताई हैं, यानी हम चाहते हैं कि आप इस टेक्निक को खुद एक्सप्लोर करें
और एक्सपेरिमेंट करें और अच्छे रिजल्ट्स अचीव करें। एंड में आपके लिए एक चैलेंज, इन दो फोटोज को गौर से देखिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, कोशिश कीजिए ये सेम फोटोज अचीव करने की। और हाँ, इन्हें शेयर करना हमसे ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, ओनली ऑन स्क्रीन बाय दैनिक भास्कर।